नमस्कार दोस्तों, आज 15th ऑफ जनवरी से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज होने वाला है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में। आपको पता होना चाहिए कि लैंडलाइन आज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, और इसलिए यहाँ पर जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उन्होंने एक चेंज लाया है जिसके तहत जितने भी कॉल्स किए जाएंगे लैंडलाइन से मोबाइल नंबर पर, वहां पर आपको जीरो लगाना मैंडेटरी हो जाएगा। मतलब कि नंबर के पहले जीरो लगाना मैंडेटरी हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो, टेलीकॉम कंपनीज रिमाइंड यूजर्स टू प्रीफिक्स जीरो फॉर लैंडलाइन टू मोबाइल कॉल्स फ्रॉम जनवरी 15। तो ये पूरा मामला है क्या, ऐसा क्यों किया जा रहा है, टेक्निकलिटी क्या है, इससे और क्या फायदा हो सकता है, कस्टमर्स को क्या फायदा होगा लॉन्ग रन में, इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी आईक्यू लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहां पर होने क्या वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 15th ऑफ जनवरी से यहां पर जो भी कॉल्स लगाए जाते हैं लैंडलाइन फोन से मोबाइल नंबर पर, ध्यान रखिएगा, मोबाइल से मोबाइल जो भी कॉल होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो लैंडलाइन से फिक्स लाइन जिसको हम कहते हैं उससे जितने भी कॉल किए जाएंगे मोबाइल नंबर पर, वहां पर आपको जीरो लगाना। अगर सपोज मैं कहता हूं कि कोई मोबाइल नंबर है 9236 78, तो उसके पहले यहां पर जीरो लगाना मैंडेटरी हो जाएगा, और ये हो चुका है। और इसके बारे में बेसिकली क्या हुआ था कि नवंबर 20th को जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, सरकार की जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था, और ये कहा था इस सर्कुलर में कि ट्राई, हमारे देश की जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने हमें एक रिकमेंडेशन दिया था, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। और रिकमेंडेशन क्या था कि जो भी नंबर्स पर कॉल किए जाते हैं मोबाइल नंबर्स पर लैंडलाइन से, उसमें जीरो लगाना मैंडेटरी कर देना चाहिए। तो यहां पर चेंजेस आई होप कि आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा यहां पर सबसे बड़ी चीज एक और आपको पता होनी चाहिए कि अभी तक क्या होता था, आपने देखा होगा कि पहले STD और इस तरह की बात हम किया करते थे। तो अभी तो क्या है कि आप देश भर में कहीं पर भी कॉल करते हो मोबाइल से या फिर कहीं पर भी, तो आपको ऐसा कॉल जो रेट्स हैं वो सेम लगते हैं, चाहे आप अपने शहर में कॉल करिए, अपने राज्य में कॉल करिए या फिर दूसरे राज्य में कॉल करिए, ज़्यादातर सारे रेट्स अब सेम हो चुके हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले यहाँ पर क्या होता था कि जब आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में कॉल करते हैं, आप दूसरे स्टेट में कॉल करते हैं, तो वहाँ पर आपको जीरो लगाना पड़ता था पहले। रिमेंबर कि यहाँ पर कोई भी आप नंबर ऐसे ही डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, जीरो लगाना होता था, क्योंकि यहाँ पर इससे पता चल जाता था कि ये दूसरे राज्य में कॉल जा रहा है। लेकिन आगे चलकर आपको पता है सरकार ने नंबर पोर्टेबिलिटी ले आया, यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी कॉल्स किए जाएंगे इन सबको लोकल कॉल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। चाहे अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली के अंदर आप किसी को कॉल कर रहे हो, या फिर दिल्ली से आप मुंबई किसी को कॉल कर रहे हो, सभी कॉल्स को एज अ लोकल की तरह कंसिडर किया जाएगा। और आप कहीं पर भी जाते हैं देश भर में, आप अपने मोबाइल नंबर को पोर्टेबल कर सकते हैं, दूसरे कनेक्शन में कर सकते हैं। तो पहले हुआ करता था इसके पहले जीरो लगाना मैंडेटरी जब आप दूसरे राज्य में कॉल करते थे, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। सो नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों किया गया है, यहां पर जीरो क्यों लगाया जा रहा है स्टार्टिंग में, क्या रीजन है इसका। तो इसमें दो चार चीजें पहले आप याद रखिएगा। आपको पता होगा कि कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं, जैसे कि आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो, या फिर सरकारी कोई नंबर होता है, इमरजेंसी के नंबर होते हैं हॉस्पिटल फायर डिपार्टमेंट के, तो उनके लिए स्पेशली जीरो वाला और वन वाला, मतलब कि जो भी नंबर है 101, इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके स्पेशल नंबर्स के लिए पहले ही रिजर्व कर दिए हैं, वो यहां पर जनरल पब्लिक को नहीं दिया जाता है। और अगर आप देखोगे इन पूरे कॉम्बिनेशन का अगर आप मिला दोगे, जो हम परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं, अगर आप इन सबको देखोगे, जितने भी नंबर्स बन सकते हैं आज के डेट में, वो 800 करोड़ नंबर्स हैं। मतलब कि ये 10 नंबर को अगर अलग अलग करके हम देख लें तो 800 करोड़ नंबर्स पॉसिबली बन सकते हैं। लेकिन आज के डेट में आपको पता है कि 9 से ज्यादातर नंबर कहां है, 9 से शुरुआत होती है, लेकिन आगे चलकर यहां पर सरकार ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने क्या किया कि 8 से भी स्टार्ट कर सकते हैं किसी मोबाइल नंबर को, 7 से भी और 6 से। मतलब ये चार तरह के जो डिजिट्स आप देख रहे हो 6 7 8 9, इससे मोबाइल नंबर की स्टार्टिंग हो सकती है आज के डेट में। तो आज के डेट में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो हमारे देश के अंदर कितने मोबाइल नंबर्स अवेलेबल हैं, ये करीब संख्या है 115 करोड़, मतलब कि अभी अवेलेबल है। अगर हम इसके टर्म्स में देखें 8 से कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 7 से कितने नंबर के प्रकार के मोबाइल नंबर्स हैं, 9 वाले याद रखिएगा ऑलरेडी फुल हो चुका है, 9 से जितने भी नंबर बन सकते थे, जो भी 10 डिजिट के नंबर होते हैं जहां पर 9 से शुरुआत होती है, ये फुल हो चुका है। हाँ, अगर कोई दूसरा पर्सन
पर्सन का अवेलेबल होता है वो अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट करा देता है, उसके बाद आपको ये अलॉट हो सकता है। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे 9 से कोई भी नया नंबर नहीं बन सकता, क्योंकि जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो आपके ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। बाकी कहाँ बचा है 8 वाला, 7 वाला, 6 वाला, तो इन सब में यहाँ पर करीब 115 करोड़ नंबर अवेलेबल हैं। तो चलिए ये तो ठीक है कि इतना अवेलेबल है, तो अभी के लिए कुछ वर्षों के लिए काम चल जाएगा। आगे चलकर और ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी, तब हमें 11 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहां पर लैंडलाइन से इसलिए किया गया है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि लैंडलाइन के भी काफी सारे कनेक्शंस हैं, तो धीरे धीरे क्या हुआ है कि लैंडलाइन के नंबर और जो मोबाइल फोन के नंबर हैं वो आपका ओवरलैप होने लग गए हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता था कि ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 9 वाले नंबर से काम चल जाएगा, क्योंकि 9 से मोबाइल नंबर स्टार्ट होता था। हमें पता है अगर आप शहर में कहीं रह रहे हो तो आपको पता है कि जो BSN वाले हैं, BSNL MTNL हो गए, उनके लैंडलाइन नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते थे। लेकिन जितने भी मोबाइल नंबर्स हैं वो आपके 9 से ही स्टार्ट होते थे। तो क्या प्रॉब्लम क्या हुई कि आगे चलकर यहां पर मोबाइल नंबर हमने किससे स्टार्ट कर दिया, 8 से स्टार्ट कर दिया, 7 से स्टार्ट कर दिया, 6 से स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये जितने भी नंबर्स हैं दोस्तों, ये लैंडलाइन नंबर्स भी होते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आने लग गई कि लैंडलाइन के कई सारे नंबर्स और जो मोबाइल नंबर्स अलॉट किए गए हैं वो ओवरलैप होने लग गए, एक जैसे सेम होने लग गए। और इसी को देखते हुए यहां पर डिसाइड किया गया कि जो 0 है, जब भी यहां पर लैंडलाइन से किसी भी मोबाइल नंबर को कॉल किया जाएगा तो 0 लगाना मैंडेटरी है। अदरवाइज कई बार क्या होगा कि आप मोबाइल नंबर पर कॉल कर रहे हो लेकिन लैंडलाइन से आपका फोन किस पर चला जाएगा, लैंडलाइन नंबर पर चला जाएगा, लेकिन आप कॉल करना चाहते थे मोबाइल फोन पर, राइट? तो इसके लिए यहां पर जो 0 है वो आपका मैंडेटरी कर दिया गया है। इनफैक्ट इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि मोबाइल नंबर्स की तो बात चल रही है, लेकिन यहां पर आपको पता होगा आज के डेट में हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, तो मशीन टू मशीन जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि आज के डेट में स्मार्ट मीटर्स की बात चल रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स होते हैं स्मार्ट मीटर्स, उसमें आपको सिम कार्ड वगैरह के थ्रू यहां पर 13 डिजिट नंबरिंग सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है, जैसे सोलर पैनल वगैरह हो गया। तो जितने भी आपके मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है वो आपका 13 डिजिट के नंबरिंग सिस्टम से भी यहां पर अप किया जा रहा है। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज हो सके क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलकर हो सकता है कि जो सिम कार्ड्स वगैरह हैं वो 11 नंबर 12 नंबर पर भी आ सकते हैं। लेकिन इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा, तो एक तो इंपैक्ट मैंने आपको बता दिया कि यहां पर जो लैंडलाइन का जो ओवरलैप हो रहा था मोबाइल नंबर के साथ वो एक तरह से हट जाएगा यहां पर। फिर इसके अलावा आपको पता होगा कि जो लैंडलाइन ऑपरेटर्स हैं उनको अलग अलग नंबर्स ऑपरेट दिए गए हैं, जैसे कि BSNL हो गया, MTNL हो गया, इनको 2 से शुरुआत करते हैं जब आप देखते होगे। एयरटेल वाले जिनके पास है लैंडलाइन फोन उनका 4 से शुरुआत होता है, जहां तक रिलायंस जियो की बात है तो 3, 5, 7, 9, 6 इस तरह की चीजें अलॉट की जा चुकी हैं। तो यहां पर एक तो लैंडलाइन मोबाइल फोन का जो ओवरलैप है वो हट जाएगा, इसके अलावा आगे फ्यूचर में जो नंबर के रिसोर्सेज हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर 11 डिजिट वाला नंबर आ जाएगा, मतलब कि 0 से अगर हम शुरुआत करते हैं, तो यहां पर 253 करोड़ नंबर्स और जनरेट हो सकेंगे, मतलब इतने नंबर्स और ज़्यादा हम अलॉट कर सकते हैं। मतलब कि अभी मैंने आपको बताया था कि 115 नंबर के कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं आज के डेट में, 115 करोड़ नंबर्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये वाला अगर हम 11 डिजिट पर आ गए तो 253 करोड़ नंबर जो हैं अलॉट हो जाएंगे। मतलब कि अगर 0 वाला भी हम ऐड कर देते हैं मोबाइल नंबर के पहले, तो यहाँ पर 253 करोड़ और ज़्यादा मिल जाएंगे। इससे आगे आने वाले फ्यूचर में जितने भी नंबर्स की आवश्यकता होगी वो भी आपका फुलफिल हो जाएगा। तो लॉन्ग रन में आप कह सकते हो कि जिन पर्संस को, जिन लोगों को यहाँ पर अलग अलग नंबर्स चाहिए होते हैं, तो वो उनके लिए फायदा होगा। तो यही मेन चीज़ है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो 0 मैंडेटरी किया गया है स्पेशली फॉर लैंडलाइन, ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ लैंडलाइन के लिए है, लैंडलाइन से अगर आप कॉल कर रहे हो मोबाइल नंबर पर तब ये मैंडेटरी किया गया है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ रिलेटेड टू टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन इन इंडिया के बारे में। 2 स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड, इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, StudyIQ ऐप पर जा सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।